तो ये देखो गाइस, आज का जो मौसम है एकदम सुहाना है। पिछले इन हफ्तों में सैटरडे का जो मौसम है ना, एकदम धूप वाला रहा है, एकदम गर्म वाला, आज एकदम मस्त ठंडा है। एंड अभी यहाँ पे काम का सेटअप अभी मुझे रेडी करना है, क्योंकि मेरे को बस थोड़ा सा ही काम है, 5% काम है, बाकी के मेरे काम हो चुके हैं। एंड आज पता नहीं क्या क्या होने वाला है, आज सैटरडे है, देखते हैं। अभी तो दिन का स्टार्ट हुआ है, अभी आगे आगे क्या होता है। और अभी फिलहाल तो चलो, मैंने कॉफ़ी रखा है मेरे लिए गर्म करने के लिए, क्योंकि इतने मस्त नज़ारे के साथ तो कॉफ़ी तो पीना बनता है। तो चलो पीते हैं कॉफ़ी, एंड जो काम का जो सेटअप है उसको करते हैं सेट। करके हो गया था, एंड हमारी जो मम्मा बनोड़ी है उसके बच्चे हो गए थे ना, तो उसमें से जो एक बेबी है ना, ये वाइट वाला जो है कोको, उसका ना एक आइज जो है ना, ये देखो इसका जो एक आइज है, वन मिनट में आपको शो करती हूँ। ये देखो इसका जो एक आइज है ना, वो सूज गया है, और एक आइज जो है ना ओपन हो चुका है। और उसके वजह से ना कल डॉक्टर ने बोला कि सलाइन वाटर लेके आके ना उसका आइज जो है रब करने के लिए, तो मैं कब से वही कर रही थी धीरे धीरे। तो अब इन लोग को दिखने लग गया ना, तो हर जगह भागने लग गए इन लोग। धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, अभी ऐसे करके उसको स्लोली स्लोली उसको दो बार दिन में करना पड़ता है। बेचारी, उसको बहुत पेन हो रहा होगा, उसको मम्मा की याद आ रही है, उसकी मम्मा उधर बाहर बैठी है। मैं इसको अंदर लेके आई हूँ, बट अभी क्या करें ना, ऐसा नहीं तो फिर इसका आइज बंद ही रहेगा, एक ही आइज ओपन रहेगा, और सूजा भी है उसका आइज। देखो सामने से, देखो देखो, एक आइज ओपन है, देखो एक आइज ओपन है और एक आइज बंद है। ओले गाइस, मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, एंड बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ विद चीज स्प्रेड, अमूल चीज स्प्रेड। ये आधे बन के रेडी हो चुके हैं, आधे बना रही हूँ, क्योंकि जो खाना घर में बना है वो उन लोग को खाना नहीं है, उन लोग को ब्रेड और चीज़ टोस्ट खाना है। तो चलो अभी इन लोग के लिए अच्छा खासा जो है टोस्ट विद चीज़, अरे वापस खुल गया, चलो इसको बनाते हैं। लंच टाइम, एंड लंच में पोटैटो करी एंड राइस। आज हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, अंकल आने वाले आज घर पे नाना सुपर रखे, तो अभी तो चलो खाना खाते हैं, एंड कल हम बैठ के गपशप करेंगे। नीचे जाने के लिए डीमार्ट, एंड जब निकल रहे थे तो बादल एकदम काले थे, बाकी जैसा हो रहा है वाला था, बड़ा बारिश ना हो तो अच्छा, क्योंकि हम लोगों को सामान वगैरह लेके जाना है। एंड अभी हम लोग बस ऑन द वे हैं डीमार्ट के रास्ते पे, और उसके बाद फिर हम लोग को जाना है दहीसर स्टेशन, वहाँ से वेजिटेबल्स लेने। तो चलो सबसे पहले जाते हैं डीमार्ट, वहाँ से लेते हैं सामान और फिर निकलते हैं आगे। हम लोग गए थे डीमार्ट के बाहर, बाइक हो गया है पार्क, और लेते हैं बैग और चलते हैं डीमार्ट की तरफ लेने के लिए सामान फटाफट से। अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ गर्दी है कि नहीं। थे डीमार्ट के अंदर सामान लेने के लिए, एंड यहाँ पे मैं जॉइना को ढूंढ रही थी, अल्टीमेटली वो मुझे मिल गई थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सामान देख रहे थे, एंड थैंक गॉड गर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि हम लोग आए थे सैटरडे को, बट गर्दी खाली था। एंड तब हम लोग ने सामान फटाफट ले लिया। तो गाइस डीमार्ट से सब सामान लेके हो गया है, और अभी हम लोग है ऑन द वे जाने के लिए दहीसर मार्केट। तो अभी जाते हैं फटाफट से, लेते हैं वहाँ से छोटा मोटा भाजी जितना हो सकता है। तो ऐसा हो गया, जब से मोदी सरकार वापस आ गया तब से भाजी एकदम आसमान छू गया, टमाटर 100 रुपया किलो का है। तो अभी पता नहीं, लास्ट टाइम तो 50 रुपया था, 46-50 समथिंग था, अभी पता नहीं कितना है। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट, एंड देखते हैं अभी आसमान का छुआ हुआ भी है कि जमीन पे उतरा है। तो गए तो हम लोग पहुँच गए थे दहीसर स्टेशन, और देखो गाड़ी खड़ा है, तो कोई भाजी वाले है नहीं, ज़्यादा भी जितना है उतना लेना पड़ेगा हम लोग को। और ये रहा जॉइना, ले लिए वेजिटेबल, अभी बाकी का कांदा वगैरह लेना है, और लेते हैं निकलते घर के लिए। सो गाइस हम लोग उतर गए हैं नीचे जाने के लिए, लेने के लिए फिश, क्योंकि आज बनने वाला है घर में चाइना फिश फ्राई, एंड फिर चिकन भी बनने वाला है। तो चलो अभी फटाफट हो जाते हैं, एंड चाइना फिश भी लेके आते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए थे यहाँ पे चाइना फिश लेने के लिए, सब अलग अलग टाइप की फिश है, रुईया फिश, स्वीट वाटर फिश ले लिया, मछली जैसे कि आपने देखा हम लोग ने चाइना फिश लिया, स्वीट रिवर वाटर फिश। और अभी हम लोग निकले हैं बस अभी मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट थे अंकल डॉक्टर सुमन मैनी अंकल, उनको खाने का है मिठाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रास्ते से लेने के लिए मिठाई। तो चलो अभी फटाफट से जाते हैं मिठाई के शॉप पे और लेते हैं मिठाई। पहुँच गए थे यहाँ पे मिठाई वाले अंकल के पास, जाते हम लोग हर बार मिठाई लेते हैं यहाँ पे एक्सर में। तो हम लोग ने ये येलो वाली बर्फी, वाइट वाली बर्फी और वो वाला पेड़ा हम लोग ने लिया। मेरे घर पे लेके सब सामान, फिश एंड मिठाई, एंड हमारे पैंट्स वगैरह हो चुके हैं गिल्ले क्योंकि बारिश की वजह से। अभी जाके घर पे फटाफट से चेंज करते हैं, फ्रेशन अप भी होते हैं, मेरे को चिकन का मसाला भी पीस के रखना है। तो चलो अभी जाते हैं घर पे, एंड करते हैं बाकी का चिकन का प्रिपरेशन का काम। मैंने बोला था कि मैं मसाले का तैयारी करूंगी, बट मेरी बहन ने करके रख दिया था, तो मैंने पीस के इसको भी अच्छे से करेंगे फ्राई। येलोविश कलर में बन रहा है ये टाइम चिकन करी,
एंड यहाँ पे चिकन वॉश करके भी रख दिया है और इसको चिकन करी को अच्छे से बनाएंगे। एंड अज्जू भी आ चुका है गाइस घर पे, ये रहा दोस्तों हुलुलु। वो हमारे अंकल के साथ बैठ के मैच देख रहे क्योंकि आज है का फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। गाइस आप भी सपोर्ट करो इंडिया को ही, इंडिया ही जीतना चाहिए। हाँ इंडिया ही जीतना चाहिए, 3.5 करोड़ लोग देख रहे, तो 4 करोड़ भी हो गया रहेगा। तो चलो गाइस अभी चिकन करी तो अपने टाइम के हिसाब से बनते रहेगा। एंड अभी क्या खा रहे हो? ए चिकन मसाला है, 10 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चलो गाइस अभी चिकन करी बनाते हैं एंड फिर फटाफट से बाहर जाते हैं और T20 के मजे उठाते। तो गाइस चिकन करी जो था वो बन के रेडी हो चुका है, ये देखो आधे लोग ने खाना खा भी लिया। अभी ये सेकंड टाइम गरम कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं और अज्जू ने खाना खाना बाकी है। ये रहा अज्जू, बहुत गर्म हो गया था दोस्तों, तो पूरा पानी पानी हो गया हम लोग, मतलब नहा के आया है वो, एकदम हालत खराब हो गई थी, फ्रेश हो गया है वो गाइस। एंड सबसे बड़ी बात कि इंडिया T20 मैच फाइनल जीत गई है, अभी मजा आएगा ना। और जैसे जीता वैसे अभी भी चिल्लाने की आवाजें आ रही है बाहर से, आ रही है तुमको? नहीं हमको तो नहीं। दिखा दिखा दिखा, कितना आवाज आ रहा है बाहर से लोगों का चिल्लाने का, लोगों ने फटाके फोड़े, ढोल बजाया, अभी चिल्ला रहे बाहर, बाइक लेके लेके निकल रहे चलते चल चल पागलो, चिल्लाओ तुम भी यहाँ से। तो गाइस चलिए चक दे इंडिया।